हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, सबको टाइटल देके आज का टॉपिक पता चल ही गया होगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है, बहुत ज़्यादा बहुत भयंकर वाली जो है गर्मी पड़ रही है, घर से बाहर निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बार चेहरा साफ करते हैं, फेस वॉश करते हैं, 5 मिनट बाद ही चेहरे पर वही ऑयल आ जाता है, स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, पसीना आ जाता है, बहुत डर्ट जो है जो ऑयली स्किन की वजह से स्किन पर इकट्ठा हो जाता है है और वापस से चेहरा बहुत बुरा लगने लगता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेस पैक लेकर आई हूं जो कि आप यूज करेंगे तो गर्मियों में आने वाले पसीने को कम करेगा, साथ साथ आपके चेहरे के दाग धब्बों को खत्म करेगा, झाइयों को खत्म करेगा और इसी के साथ एक बार के इस्तेमाल से ही चेहरा जो है बिल्कुल निखर जाएगा, चेहरे पर निखार आएगा, आपकी स्किन को गोरा बनाएगा, बेदाग बनाएगा और चेहरे पर ग्लो भी आएगा। और इसके अलावा आपको चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे कि पिंपल्स, दाग धब्बे, झाइयां, डार्क स्पॉट्स, फिर आपके बाल बहुत झड़ते हो, बाल बढ़ नहीं रहे हो या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करें। मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ये फेस पैक किस तरह से बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फेस पैक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक खाली बाउल। इसके बाद से मैं इसमें ऐड करूंगी आलू का पाउडर, यानी कि पोटैटो पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो 1 चम्मच है आलू का पाउडर ले लूंगी। तो दोस्तों, अब आप पूछोगे कि पोटैटो पाउडर जो है मैंने कौन सा यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे हार्बोटोनिक ब्रांड का पोटैटो पाउडर इस्तेमाल किया है। 100% नेचुरल होता है, कोई भी जो है केमिकल नहीं होता है। आपको अच्छे से पता ही है कि जो पोटैटो पाउडर है, जो आलू होते हैं, हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स को किस तरह से जो है रिड्यूस कर सकता है। तो आप लेना चाहे तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद से सेकेंड चीज़ जो आप इसमें ऐड करेंगे वो होगी मुल्तानी मिट्टी पाउडर, वो भी आपको 1/2 चम्मच के हिसाब से लेना है। ये भी सेम मैंने हार्बोटोनिक ब्रांड का यूज किया है। मैंने आपको बताया मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं यूज करती हूं तो मैं आपको बता रही हूं। इसके बाद आपको थर्ड चीज इसमें यूज करनी है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल का जो है 4 से 5 ड्रॉप मैं इसमें डाल दूंगी। टी ट्री ऑयल जो स्किन के बैक्टीरियाज होते हैं उनको खत्म करता है, तो यहाँ पे मैं 4 से 5 बूंदें टी ट्री ऑयल की भी जो है इसमें डाल लूंगी। और इसके बाद लास्ट में हमें इसमें यूज करना है गुलाब जल, यानी कि रोज वाटर। रोज वाटर आपको इतना लेना है कि आपका ठीक सा पेस्ट बन जाए, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। तो दोस्तों, हमारा फेस पैक बनके हो गया रेडी। फर्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है आलू का पाउडर, यानी कि पोटैटो पाउडर। हर कोई जानता है आलू का पाउडर चेहरे के डार्क स्पॉट्स को खत्म करता है, पिगमेंटेशन को खत्म करता है। इसके बाद से सेकंड चीज़ मैंने इसमें ऐड किया है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी पाउडर की जो तासीर है ठंडी होती है, चेहरे के दाग धब्बों को खत्म करता है, चेहरे की स्किन को निखारता है। थर्ड यूज किया टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल चेहरे के बैक्टीरिया को खत्म करता है, नष्ट करता है। कोई भी आप फेस पैक बनाते हैं उसमें 4-5 बूंदें टी ट्री ऑयल की ऐड करेंगे तो वो आपकी स्किन के सारे बैक्टीरिया को जो है खत्म कर देता है। और जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, टी ट्री ऑयल उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फेस पैक में कुछ बूंदें डाल लो, आपके पिंपल जो है खत्म हो जाएंगे, और अगर आपको पिंपल नहीं है तो फ्यूचर में आएंगे भी नहीं। और फोर्थ मैंने यूज किया रोज वाटर। रोज वाटर हमारी स्किन को क्लीन करता है, अच्छे टोनर का काम करता है। फेस पैक हमारा रेडी है। अब आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरह से जो है इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो ब्रश से लगाएं, फिंगर से लगाएं। तो फिंगर्स की हेल्प से सबसे पहले तो पूरे फेस पे हमने ये फेस पैक लगा लेना है। उसके बाद से हमने करना है चेहरे पे 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज, तो ताकि ये अच्छे से काम कर सके, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस हो सके, चेहरे की जो है एक बार में चेहरे पे निखार आए, ठीक है, डेड स्किन जो है निकल जाए। मेंस मसाज करने से ये लग गया। इसके बाद से थोड़ा हाथों पे लेंगे और इसको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से आपने करना है मसाज। और गाइस, गर्मियां बहुत ज़्यादा है, आप कोई ना कोई फेस पैक तो जो है इस्तेमाल किया ही करो। DIY फेस पैक जो है बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, आप उनको जो है डेली बेस में यूज कर सकते हैं। और मेरे फेस पे इसको लगा के मुझे बहुत ठंडा ठंडा जो है लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जो एसेंशियल ऑयल है यूज किया है, इस वजह से बहुत ठंडक जो है लग रही है। और स्मेल गुड, जो टी ट्री ऑयल की स्मेल है बहुत ही अच्छी इस फेस पैक से आ रही है। तो इस तरह से अच्छे से मसाज करना है। मसाज के बाद इसको फेस पे इसी तरह लगा हुआ छोड़ देंगे और प्रॉपर जब ये सूख जाएगा तो नॉर्मल वाटर से हमें वॉश करना है। साबुन फेस वॉश का हम यूज नहीं करेंगे। तो अभी मैं इसको सुखा के वॉश करके देन आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि क्या इसका रिजल्ट है।
तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने देखा एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा गर्मियों के लिए फेस पैक, जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा निखर जाएगा, चेहरे पे बिल्कुल दाग धब्बे जो है खत्म हो जाएंगे। तो ये फेस पैक आपको हफ्ते में 3 बार कर लेना है और आपकी सारी स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले। इसके अलावा जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाइएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।